अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खेल खेल में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट शहजाद जवेद और आप देख रहे हैं चैनल पाकिस्तान रंग। नाज़रीन, अगर क्रिकेट के खेल की बात की जाए तो क्रिकेट अपने अंदर ऐसी आलमगीरियत रखता है जो पूरी कौम को एक दायरे और एक लड़ी में परोता है। क्रिकेट का मैच हो तो पूरी कौम टीम की जीत के लिए दुआएँ करती है। क्रिकेट का खेल कौम की यकजहती में अहम किरदार अदा करता है। इसी तरह दुनिया भर की क्रिकेट टीमों में परफॉर्म करने वाले प्लेयर्स भी रंग, नस्ल और मजहब की तफरीक के बगैर सेलेक्ट किए जाते हैं और वो अपनी टीम की तरफ से परफॉर्म करके अपने मुल्क का नाम रोशन करते हैं। आज के हमारे इस प्रोग्राम के मेहमान महेंद्र पाल सिंह भी पाकिस्तान के पहले सिख कम्यूनिटी से तल्लक रखने वाले प्लेयर हैं जो कि लाहौर कलंदर के प्लेटफॉर्म से मुंसलिक हैं। आज हम इनके क्रिकेट कैरियर, इनकी लाइफ स्टाइल के मतलब जानना चाहेंगे और वो क्रिकेट में कैसे आए और आइंदा वो क्रिकेट की दुनिया में खुद को कहाँ देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल जी। सबसे पहले तो महेंद्र सिंह, आप ये बताएं कि आपका जन्म केपीके में हुआ, उसके बाद आपके अहले खाना 15 साल पहले ननकाना साहब शिफ्ट हो गए, ये सफ़रनामा आपका कैसा रहा और आपके अबाओ जदाद कहाँ से बिलोंग करते हैं, इसके मतलब आप बताना पसंद करेंगे। जी, मेरा जन्म जो है वो केपीके में हुआ और केपीके खैबर एजेंसी में हुआ स्पेशली। तो एक बचपन का जो अरसा था वहाँ पे हमने गुजारा और काफ़ी अच्छा टाइम हमारा वहाँ पे गुजरा। लेकिन वहाँ पे जो हालात जब ख़राब हुए, तालिबान वहाँ पे आए, तो तभी हमारे बुज़ुर्गों ने फैसला किया कि अब हम इस जगह को हमें छोड़ना चाहिए और हमें अपनी बाबा नानक की धरती ननकाना साहब की तरफ हमने जाना है। काफ़ी आइडियाज़ आ रहे थे कि हम गुरुद्वारा पंजा साहब की तरफ चले जाएँ, हसन अदवाल की तरफ, या पिशावर सिटी में शिफ्ट हो जाएं, लेकिन आखिरकार यही फैसला किया गया कि हमने ननकाना साहब, चूँकि पंजाब उस टाइम बहुत सेफ़ था और ननकाना साहब एक बाबा नानक की धरती और हमारे सिख मज़हब की जो कि बुनियादी धरती भी है, तो हमने ये फैसला किया कि हमने बाबा नानक की धरती पर जाना है। और अच्छे 15 साल पहले हम ननकाना साहब यहाँ पे शिफ्ट हुए। हमने हर चीज़ वहाँ पे छोड़ी, अपने घर, हर चीज़ वहाँ पे छोड़ी, रात के अंधेरों में, क्योंकि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे, रात के अंधेरों में वहाँ पे वहाँ से हम निकल आए और ननकाना साहब को हमने यहाँ पे हमने अपने आप के लिए बेहतर समझा और यहाँ पे हम शिफ्ट हो गए फैमिली के साथ। जी, आपके वालदे मोहतरम हरजीत सिंह, क्या वो पहले से ही पाकिस्तान में थे या वो इंडिया से आए हैं? जी, जब पार्टीशन हो रही थी तो हमारे बुज़ुर्गों ने फैसला किया था कि हमने पाकिस्तान में ही रहना है, हमने हिंदुस्तान शिफ्ट नहीं होना, क्योंकि पहले भी धरती हमारे पाकिस्तान की साइड पे ही आ रही थी और तब भी हम उसी साइड पे रहते थे। और हमने यही फैसला किया कि हमने पाकिस्तान में रहना है, ना कि सिर्फ पाकिस्तान में रहना है बल्कि पाकिस्तान को सर्व भी करना है और पाकिस्तान के लिए अपनी कुर्बानियाँ भी देनी है। जी, हरजीत सिंह का बेटा महेंद्र पाल क्रिकेट की दुनिया में कैसे आया? आपका ये पैदाइशी शौक़ था या ये इत्तफाकन हुआ है? जिस एरिया में हम रहते थे केपीके में, वहाँ पे चूँकि अर्ली टाइमिंग में दुकानें वगैरह बंद हो जाती थी और हमारे वालिद साहब भी, मेरे बड़े भाई सारे वो ना क्रिकेट खेलते थे, तो उनको देख देख के मेरा शौक़ उभरा और वहीं से मैंने खेलना स्टार्ट किया। अपने घर में एक छोटा सा सहन था, उसमें हम क्रिकेट खेलते थे और साथ मेरे कज़न वगैरह होते थे और एक जॉइंट फैमिली थी हमारे बड़े, मेरे दादा के 4 भाई थे और सारे एक जॉइंट फैमिली थी, तो हम सारे आपस में खेलते होते थे और वहीं से एक शौक़ थोड़ा सा ना पैदा हो गया। लेकिन वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, अपॉर्चुनिटीज़ ना होने की वजह से जो अर्ली एज में 7-8 साल की उम्र में आप अगर आप कह सकते हैं, वो एज में अगर आप मुझे मौका मिलता वहाँ पे प्रोफेशनल क्रिकेट खेलने का, वहाँ कोई एकेडमी होती, कोई क्लब होता, तो शायद मैं आज जिस लेवल पे इस एज में पहुँचा हूँ ना, तो मैं बहुत पहले कुछ कर चुका होता। अंडर 16, अंडर 17 जो कि मैं नहीं खेल चुका, वो मैं खेल चुका होता एक रीजन प्रॉपर के थ्रू, एक डिस्ट्रिक्ट के थ्रू मैं खेल के आता। लेकिन हालात ऐसे थे और वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ एजुकेशन की भी नहीं थी, बाकी भी कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी। खैर, वो कह सकते हैं कि किस्मत की बात है। लेकिन जब ननकाना साहब हम यहाँ पे शिफ्ट हुए, ननकाना साहब भी अगर आप देख लें यहाँ पे, तो ऐसे कोई अपॉर्चुनिटीज़ ननकाना साहब में भी नहीं है। पहले शेखुपुरा डिस्ट्रिक्ट लगता था, अब ननकाना साहब एक सेपरेट डिस्ट्रिक्ट तो बन चुका है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट में मैं कई बार ये जिक्र कर चुका हूँ क्रिकेट बोर्ड में भी और हर जगह पे जिक्र चुका हूँ कि ननकाना साहब में कोई रजिस्टर्ड क्लब नहीं है अभी तक।
हालांकि हर डिस्ट्रिक्ट के अपने मैचेस होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल के अपने मैचेस होते हैं, ननकाना साहब में कोई डिस्ट्रिक्ट का कोई क्लब भी नहीं है, ना कोई एकेडमी है, ना आपको रजिस्टर्ड है ही नहीं, आपको कोई ग्रासी ग्राउंड नजर नहीं आएगा, आपको कोई विकेट नहीं इधर आएगा जहाँ पे आप प्रोफेशनल क्रिकेट खेल सकते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे भी नहीं थी मेरे लिए। महेंद्र, हमें ये बताएं कि पाकिस्तान भर के बच्चों की तरह क्या आपको भी घर में क्रिकेट से मना किया जाता रहा है या आपको सपोर्टेड रहे हैं आपके घर वाले? मेरे वाले साहब चूँकि डॉक्टर हैं और हर डॉक्टर की यह ख्वाहिश होती है कि उसका बेटा डॉक्टर ही बने। स्टार्ट में तो खैर सपोर्ट नहीं मिली, मिल भी रही थी लेकिन ना होने के बराबर थी, क्योंकि वो ये चाह रहे थे कि मैं एजुकेशन की तरफ आऊँ। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं 8वीं जमात में था और मेरा स्कूल से ना बिल्कुल दिल टूट चुका था और मैं क्रिकेट पे ज़्यादा फोकस कर रहा था। मैं स्कूल जाता था, वहाँ से चुप के फिर सारा दिन ग्राउंड में क्रिकेट खेलता था। तो इस बात को ना मेरे वाले साहब बहुत अच्छी तरह मतलब अच्छा नहीं समझ रहे थे कि यार स्कूल से मैं चुप के क्रिकेट खेलता रहूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि आप मैट्रिक पास कर लें, देन मैं आपको इजाज़त दूंगा। अगर आप 80% मार्क्स सिक्योर करते हैं मैट्रिक में, देन मैं आपको इजाज़त दूंगा कि अगर आप क्रिकेट में आए और क्रिकेट खेल सकें। लेकिन ऐसा था कि अगर 8वीं क्लास में अगर उस टाइम भी मुझे प्रॉपर क्रिकेट खेलने का मौका मिलता तब भी मैं बहुत कुछ ज़्यादा कर सकता था, उस टाइम भी मुझे मौका नहीं मिला। 3 साल वो मेरे ज़ाया हो गए, जब मैं एजुकेशन की हवाले से ज़ाया तो नहीं, लेकिन जो क्रिकेट कैरियर था मेरा, जो मेरा शौक था, उसमें मेरे ज़ाया ही हुए हैं। तो आफ्टर मैट्रिक, जब मेरे मैट्रिक में 80% मार्क्स सिक्योर किए और फिर जब लाहौर गया, गवर्नमेंट कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ, देन गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन होने के बाद फर्स्ट ईयर के बाद मैंने क्रिकेट वो भी छुप के खेलना स्टार्ट किया। लिखोगे पढ़ोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, इस शेर में कितनी हकीकत है? मैं इसको 50-50 समझ रहा हूँ, क्योंकि पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है और खेल भी बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई आपको दुनिया के तेवर सिखाते हैं, एक नॉलेज आपको सिखाती है कि दुनिया के साथ आपने कैसे चलना है, और क्रिकेट आपको एक सेह देती है, खेल कोई भी हो आपको सेह देती है। तो अगर आप सेहतमंद होंगे तो आप एक अच्छी ग्रोथ के साथ, अच्छे माइंड के साथ, एक ओपन माइंड के साथ आप एजुकेशन भी हासिल कर सकते हैं। एजुकेशन लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, क्रिकेट हमेशा रहने वाली नहीं है। आप समझते हैं कि इसके दोनों पहलू बेहतरीन लिखे हुए हैं? जी बिल्कुल, और इसके साथ मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि अगर आप पढ़े होंगे, और क्रिकेट हमेशा रहती नहीं है, आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं और आपको एक इंजरी हो जाती है तो वो आपको पूरी उम्र आप क्रिकेट से बाहर कर दे। लेकिन अगर आपके पास एजुकेशन है और आप चेयर पे भी बैठे हैं तो वो एजुकेशन आपकी ज़िंदगी भर काम आ सकती है। क्रिकेट एक खास लिमिट तक, एक खास एज तक आपके काम आ रही है। दोनों पहलू अहम है, बहुत पहलू, बहुत ज़्यादा अहम है। इधर ग्रास रूट लेवल पर क्रिकेट खेलने के बाद प्रोफेशनल क्रिकेट में आप कब आए, और आपने नेशनल क्रिकेट एकेडमी की तरफ से अंडर 19 भी खेला है जो कि मलेशिया में मुनक़द हुआ, इस हवाले से आप हमें कुछ बताएं। जी, ग्रास रूट लेवल तो मेरा ऐसे ही था कि टेप बॉल क्रिकेट ही हमने खेली, ग्रास रूट लेवल एक प्रोफेशन के तौर पे तो मैं नहीं खेल सका क्योंकि अपॉर्चुनिटीज नहीं मेरे थी मेरे पास। तो आफ्टर फर्स्ट ईयर मैंने क्रिकेट स्टार्ट की, लाहौर में एक एकेडमी ज्वाइन की, वहाँ पे क्रिकेट खेलना स्टार्ट की और वहीं से थोड़ी सी टिप्स मिली या थोड़ा सा प्रोफेशनल क्रिकेट की तरफ आया। उसके बाद नेशनल क्रिकेट एकेडमी की तरफ से ओपन ट्रायल्स थे जिसमें इमर्जिंग बॉलर्स के खुसूसन ट्रायल थे रिमोट एरियाज़ में, जिसमें मर्दान, KPK और ये एरियाज़ आते थे। वहाँ पे जाके मैं मर्दान में ट्रायल दिए और वहीं से मेरे नेशनल क्रिकेट एकेडमी के एक कैंप के लिए, जो 15 दिन के हाई परफॉर्मेंस सेंटर का कैंप था जिसमें पूरे रिमोट एरिया से या पूरे पाकिस्तान से आप कह सकते हैं, जिसमें टॉप 30 इमर्जिंग प्लेयर्स थे और उसमें मेरा भी एक नाम था। तो वो सिलेक्शन, वो जगह मेरे लिए एक लाइफ चेंजिंग थी क्रिकेट में। और जब वहाँ पे मेरी सिलेक्शन हुई, 15 दिन का मैंने NCA का कैंप किया, तो मेरे वो 15 दिन जो कोचेस के अंडर मैंने गुजारे और बाकी तमाम जो क्रिकेट में खेल चुका था वो एक साइड पे और 15 दिन एक साइड पे, क्योंकि वहाँ पे वो टिप्स मुझे मिली, वो तरीकाकार मुझे समझ में आया कि असल क्रिकेट है क्या। वहाँ पे फिटनेस पे हमने ध्यान दिया, वहाँ पे जो छोटे छोटे टेक्निक्स थी, बेसिक टेक्निक्स थी, वहाँ पे जाके मिली और वो सिलेक्शन मेरे लिए एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट थी। मलेशिया का टूर कैसा रहा आपका? मलेशिया का टूर, उनकी टीम आई थी, मलेशिया की टीम पाकिस्तान में, और वो मेरी खुशकिस्मती थी कि उस टाइम जब हमने NCA का कैंप किया वहाँ पे मैंने परफॉर्मेंस दी और
अगेंस्ट मलेशिया साइड खेलने के लिए मेरा पाकिस्तान साइड से मेरा नाम आया और मेरे लिए एक बिग अपॉर्चुनिटी थी कि मेरे सीने पे जो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं पहला मैच जब खेलूँ तो कज़ाफी स्टेडियम में खेलूँ और मेरे चेस्ट पे मेरे सीने पे मेरे मुल्क का स्टार लगाओ, और वो जो किट मुझे मिली उसमें पाकिस्तान का स्टार लगा हुआ था। और मेरी वो प्राउड मोमेंट था कि जब मैं कज़ाफी स्टेडियम में मेरा पहला मैच मैं खेल रहा था अगेंस्ट मलेशिया, वहाँ पर भी अच्छी परफॉर्मेंस रही और वहाँ चूँकि एक कह सकते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर मैच तो नहीं था क्योंकि मलेशिया की टीम छोटी टीम में थी, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे कम्युनिटी की सपोर्ट मेरे साथ ही और मेरे काफ़ी दोस्त मेरे कम्युनिटी के लोग मुझे देखने के लिए कज़ाफी स्टेडियम में आए थे। लाहौर कलंदर के प्लेटफॉर्म पे बात करना चाहूँगा कि लाहौर कलंदर के प्लेटफॉर्म पे आपकी एंट्री कैसे हुई और लाहौर कलंदर की जो मैनेजमेंट है उसका आपके बारे में अभी उनकी क्या राय है? देखें, आज से 3 साल पहले मेरी सिलेक्शन हुई थी लाहौर कलंदर में। उस टाइम मैं एक अर्ली एजेस में था और क्रिकेट अभी स्टार्ट की थी, एनसीए के कैंप से निकला था, थोड़ा सा एनर्जेटिक था कि खेलना है कुछ करना है, तो वहाँ पर ट्रायल दिए। चूंकि लाहौर कलंदर का आपको पता है कि या तो वो एक प्रॉपर हिटर देखते हैं या फास्ट बॉलर देखते हैं, तो वहाँ पे भी अलग शुक्र था कि मेरी स्पीड अच्छी आई और वहाँ पे मेरी सिलेक्शन हुई। फिर हमने जाके कश्मीर जाके मैचेस खेले, लाहौर में जाके मैचेस खेले हमने, वहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छी रही है, नॉर्मल सी परफॉर्मेंस रही है। अभी चूँकि एक प्रोग्रेस में है, एक अंडर उनके कोचेस के अंडर काम कर रहे हैं, कब जावेद साहब से बहुत कुछ सीखने को मिला और वो खसूसी प्यार करते हैं, क्योंकि एक तो ये था कि मैं सिख कम्युनिटी से, आज तक तारीख में पाकिस्तान जब से बनाया तो उससे कोई सिख इस लेवल पे, मुझसे पहले दो क्रिकेटर्स खेल चुके हैं, एक गवर्नमेंट कॉलेज लेवल से खेल चुका था कॉलेज लेवल तक, एक ग्रेड 2 भी खेल चुका था, लेकिन वो मैं नहीं समझता कि या किस वजह से उन्होंने क्रिकेट छोड़ दिया, शायद कोई मजबूरी बन गई थी। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर आप में टैलेंट है और आप फुल टाइम क्रिकेट को दे रहे हैं तो आपको चांस मिल सकता है, और इसी उम्मीद के साथ मैं अभी कर रहा हूँ। महेंद्र, आप ये बताएं कि लाहौर कलंदर का प्लेटफॉर्म है जो वाकयातन वो टैलेंट को आगे लेके आ रहा है कि ये महज क्यास राइयां हैं या ये महज खोखले नारे हैं? नहीं, बिल्कुल लाहौर कलंदर नो डाउट के टैलेंट को सामने लेकर आ रहे हैं। अगर आप हारिस रऊफ को देख लें, उनके बाकी प्लेयर्स को देख लें, आप इस देख लें कि उन्होंने कप्तान किसी की सोच में भी नहीं था, सोहेल अख्तर को उन्होंने कप्तान बनाया, टैलेंटेड क्रिकेट है। वाकई जब इस हिसाब से मेरी बात हुई तो हम चूँकि अक्सर हमारी बात होती रहती है, आरिस रऊफ मेरा दोस्त है, बाकी सलमान इरशाद है, तो वो टैलेंट को लेके आ रहे हैं, तो उनसे जब मेरी बात हुई तो वो अगर आप देख लें तो वो एक नई चीज़ पाकिस्तान के क्रिकेट में मुतारफ़ करवा रहे हैं। और मेरे बारे में उनका ये ख्याल था कि हम पाकिस्तान को पहला सिख क्रिकेटर मुतारफ़ कराएंगे, और वो उसमें अभी हम अंडर प्रोसेस हैं और मेरे ऊपर वो काम कर रहे हैं, मैं उनका हाई परफॉर्मेंस सेंटर भी जाता हूँ। और आकिब जावेद साहब काफ़ी मेहनत के साथ और मोहब्बत के साथ मुझे टिप्स देते हैं, और बाकी कोचेज़ भी मेरे साथ काफ़ी अच्छा वर्क करते हैं। लाहौर कलंदर के प्लेटफॉर्म से आप कौन कौन से प्लेयर मेंशन करना चाहेंगे कि जो आलमी लेवल पर मुतारफ हुए हैं? सबसे पहले तो मैं कहूँगा हारिस रऊफ है, जो अभी रिसेंटली एक फास्टेस्ट बॉलर जो पाकिस्तान में आप कह सकते हैं, वहाब रियाज के बाद या शुएब अख्तर के बाद वो स्पीड उसकी नज़र आ रही है, और उसको पाकिस्तान नेशनल साइड से खेल चुके हैं T20 में, और आगे और प्लेयर दिलबर हुसैन अभी उनके प्रोसेस में है, बाकी प्लेयर्स के प्रोसेस में है, उनके अंडर काम कर रहे हैं, तो होप्स हो कि इन द नियर फ्यूचर आप काफ़ी प्लेयर देखेंगे। सिर्फ लाहौर के अंदर नहीं, मैं ये क्रेडिट देता हूँ PSL को, पाकिस्तान सुपर लीग को मैं क्रेडिट दे रहा हूँ कि पाकिस्तान सुपर लीग की वजह से चाहे कोई भी फ्रेंचाइज हो, वो नया टैलेंट आप पेशावर जर्मी में आप देख लें, नया टैलेंट नज़र आ रहा है, सिर्फ लाहौर के अंदर नहीं है, तमाम तर फ्रेंचाइज पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं और पाकिस्तान को नए प्लेयर फ्यूचर के लिए प्लेयर्स दे रहे हैं, क्योंकि एक प्लेयर आप पूरी ज़िंदगी आपके साथ नहीं, एक लिमिट होती है एज जहाँ तक वो आप खेल रहे हैं और उसके बाद रिटायर हो जाएंगे, एक न्यू जनरेशन ने आना और पाकिस्तान को सर्व करना है, उसके लिए मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान सुपर लीग और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक बहुत ही अच्छा किरदार अदा कर रही है। शाहीन शाह आफरीदी क्या समझते हैं लाहौर कलंदर का एक तराशा हुआ हीरा है? जी बिल्कुल, लाहौर कलंदर के ही थ्रू उसके नज़र आए। इससे पहले एक प्राइम मिनिस्टर टैलेंट हंट प्रोग्राम हुआ था जिसमें इंसाफ सुपर लीग या इंसाफ जो फेडरेशन है, स्पोर्ट्स फेडरेशन है, उनके अंडर उसने पहले ट्रायल दिए, उसके बाद लाहौर कलंदर ने उसको पिक किया और उसको पॉलिश किया, और पॉलिश करने के बाद उसको PSL के मैदान में लेके आया और PSL के मैदान में परफॉर्म करके वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, और आज वो एक कैटेगरी में उसको सेंटर कॉन्ट्रैक्ट मिला है, और मैं उसको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। मेरे भाई हैं, मेरे अच्छे कोलीग्स भी रहे हैं, तो नो डाउट कि एक नेचुरल टैलेंटेड बॉलर। महेंद्र, आप ये बताएं कि सिख कम्युनिटी से आपका तल्लक है, लाहौर कलंदर और नेशनल क्रिकेट अकेडमी की मैनेजमेंट का आपके साथ कैसा बर्ताव रहा, इसके मतलब आप बताएँ।
जी, ना कि सिर्फ लाहौर कलंदर का और नेशनल क्रिकेट अकेडमी का बर्ताव अच्छा रहा है, बल्कि जहां पे भी हम जाते हैं पाकिस्तान ने हमेशा माइनॉरिटी को इज़्ज़त दी, और स्पेशली सिख कम्युनिटी को। आप करतारपुर कॉरिडोर देख लें, बाकी चीज़ें देख लें, हर जगह पे सिखों की इज्जत की जाती है। मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, पंजाब यूनिवर्सिटी में, अब लाहौर गैरिजन यूनिवर्सिटी पढ़ रहा हूँ, तो जहाँ पे भी हम जाते हैं वहाँ पे हमें रिस्पेक्ट मिलती है। अपने क्लबों पे, जिस क्लब में मैं खेल रहा हूँ, वहादत क्रिकेट क्लब है, वहाँ पे भी मैं खेल रहा हूँ, जो तो कीर्श अली शाह उसके प्रेसिडेंट हैं, किस टाइम वो वेस्ट इंडीज के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, उनके क्लब में खेलता हूँ। और चूंकि मेरा मदर क्लब है, उनकी तरफ से मैं रजिस्टर्ड हूँ, और पीसीबी की तरफ से उनके रजिस्टर्ड क्लब है। और इसके अलावा जो इस टाइम मैं लाहौर गैरिजन यूनिवर्सिटी की तरफ, तो एक वसी शाह कोच है, उनकी भी एक अपनी अकेडमी है, वो भी एक अच्छी मैनेजमेंट है उनकी, तो उनके साथ भी काफ़ी अच्छा टाइम मेरा स्पेंड हो रहा है, और काफ़ी कुछ सीखने को वो भी मिल रहे हैं। बाकी बहुत ज़्यादा कोचेस और बहुत ज़्यादा लोग मेरे लाइफ में आए। सबसे जो बेस्ट जो मुझे कुछ क्रिकेट के बारे में सिखाया है, वो अली ज़िया साहब हैं, जो किस टाइम मैनेजर हैं नेशनल क्रिकेट अकेडमी के, सीनियर जनरल मैनेजर हैं, उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। मुदस्सर नज़र हैं, मोहम्मद अक्रम जो पेशावर जलमी के हेड कोच हैं, उन सब जिस से भी मैं मिला, चाहे इंजमामुल हक हैं, चाहे मिसबाउल हक हैं, चाहे कोई भी नेशनल प्लेयर जिनके साथ मैं कैंप करता हूँ, जब भी कजाफी स्टेडियम में कैंप लगता है तो मैं वहाँ पर जाता हूँ, उनके साथ मैं प्रैक्टिस करता हूँ, तो नेशनल प्लेयर चाहे कोई भी हो, सबका बर्ताव मेरे साथ बहुत अच्छा है, और काफ़ी प्यार मोहब्बत के साथ टिप्स भी देते हैं और सिखाते भी हैं। महेंद्र, अभी लॉकडाउन चल रहा है, आप अपनी फिटनेस और क्रिकेट, आने वाली क्रिकेट नेक्स्ट आपका क्या प्लान है, और अपनी फिटनेस को कैसे आप मैनेज कर रहे हैं? लॉकडाउन, चूँकि आपको पता ही है कि घर हर किसी का इतना बड़ा नहीं होता, और घर के छतों पे थोड़ा सा हम फिटनेस का हम कर लेते हैं, जो इंडोर हम कर सकते हैं वो हम करते हैं, और डाइट का बहुत खास ख्याल रखते हैं, ज़्यादा ओवर नहीं खाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि लॉकडाउन है, बाहर आउटिंग हमारी नहीं हो सकती, गेम नहीं हो सकता, एक प्रॉपर जो रनिंग है या बाकी चीज़ें जो है आउटडोर में, स्पेशली ग्राउंड में हम करते थे, वो हमारे नहीं हो सकती, इसलिए डाइट पर थोड़ा सा खास ख्याल रख रहे हैं। बाकी इतनी फिटनेस है कि हर घर में जिम भी नहीं होता, हर चीज़ में वो आपके साथ फैसिलिटीज़ नहीं है, जब आप नेशनल इंटरनेशनल खेल जाते तो अपनी फैसिलिटीज़ बना लेते हैं, लेकिन वो फैसिलिटीज़ चूँकि अभी है नहीं, तो कोशिश कर रहे हैं कि अपने डाइट पर ज़्यादा ध्यान रखें। महेंद्र, हमें ये बताएं कि क्या आप पाकिस्तान के मौजूदा डोमेस्टिक निज़ाम से मुतमिन हैं, कि या इसमें इस्लाहात की ज़रूरत है? जी, अगर आप कहते हैं कि जिस तरह पहले डोमेस्टिक क्रिकेट हो रही थी, काफ़ी अच्छी क्रिकेट हो रही थी, अभी कुछ चेंजेस आए जो प्लेयर्स के लिए काफ़ी मुश्किलात के चेंजेस हैं, और मुश्किल का टाइम है प्लेयर्स के लिए। डिपार्टमेंटल क्रिकेट चूँकि इस गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दी है, काफ़ी ज़्यादा प्लेयर्स जो कि डिपार्टमेंट की तरफ से खेल रहे थे, उनको एक तो रोज़गार मिल रहा था, डिपार्टमेंट की तरफ से सैलरियाँ मिल रही थी, और एक नया चेहरा पाकिस्तान को हर साल मिलता था डोमेस्टिक क्रिकेट से, और स्पेशली फर्स्ट क्लास क्रिकेट से, जो डिपार्टमेंटल क्रिकेट थी। क्योंकि अगर आप देख लें, इस टाइम 6 टीमें पूरे पाकिस्तान से बन रही है, कंपटीशन तो नो डाउट के बहुत टफ हो गया है, लेकिन जो नए चेहरे आ रहे थे वो अब बहुत मुश्किल से आएंगे, मुतमिन भी है और किसी हद तक मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। जी, तो ग्रास रूट लेवल पर हमारे प्लेयर्स को क्या करना चाहिए, किन किन इस्लाहात की ज़रूरत है कि वो पाकिस्तान और दुनिया भर में अपने टैलेंट को उजागर कर सकें, इनको किस किस सलाह की ज़रूरत है ग्रास रूट लेवल पर? ग्रास रूट लेवल पे मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नज़रसानी करनी चाहिए, और ग्रास रूट लेवल पे जो जितने भी क्लब्स हैं, एक तो प्लेयर्स को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहिए ग्रास रूट लेवल से ही, ताकि वो घर से थोड़ा सा ना टेंशन फ्री रहें, क्योंकि एज लिमिट होती है कि जब तक आप घर से खर्चा लेते हैं, और ग्रास रूट लेवल का मकसद ये होता है कि जब आप बच्चों को फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे तो उसका इंटरेस्ट इस गेम में बढ़ेगा, लेकिन फाइनेंशियल सपोर्ट के साथ साथ उस ग्रास रूट लेवल क्रिकेट के साथ साथ उसको एजुकेशन की तरफ भी उसको मायल करें, कि एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर हमारे क्रिकेटर्स अन एजुकेटेड हैं, और एजुकेशन ना होने की वजह से उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और फिर दुनिया को समझने में बहुत मुश्किल होती है। तो मैं समझता हूँ कि ग्रास रूट लेवल के लिए स्पेशल कोचेज़ होने चाहिए, ताकि बच्चों को, क्योंकि ग्रास रूट लेवल पर क्लब्स में, अकेडमीज़ में प्रॉपर कोचिंग नहीं होती। आपके अगर प्रॉपर कोचिंग हो, प्रॉपर कोचेज हों, और उनको पीसीबी की तरफ से सैलरी कोचेस को हों, ताकि बच्चों के साथ वो मेहनत करें और एक प्रोफेशनल क्रिकेटर उनको बनाए, तब ही जब एक शुरू एज से या एक छोटी उम्र से एक प्रोफेशनल क्रिकेट खेलेंगे तो उनका बिहेवियर, उनका करेक्टर वो प्रोफेशनल। महेंद्र,
महेंद्र, हमारे प्रोग्राम का एक सेगमेंट है जिसको हम T20 के नाम से लेते हैं, उसमें हम आपसे शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे क्रिकेट के हवाले से। तो हम अपने सवाल की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि आप क्रिकेट में कौन से बैट्समैन को फॉलो करते हैं जो आपका बेस्ट बैट्समैन है? आजकल दुनिया में एक ही बैट्समैन चल रहा है, जिसके बाद दो बैट्समैन पूरे वर्ल्ड में छाए हुए हैं, एक बाबर आजम है और एक विराट कोहली है। तो दोनों एक जो है फेवरेट बैट्समैन हैं। आपके फेवरेट दोनों हैं? जी बिल्कुल, दोनों बैट्समैन फेवरेट हैं। जी, हम बॉलर की तरफ चाहते हैं कि पाकिस्तान और दुनिया भर में आपका फेवरेट बॉलर कौन है? पूरी दुनिया में जो राज किया है जिस बॉलर ने, वो वकार यूनुस है, और वकार यूनुस मेरा आइडियल बॉलर है, उनको ही फॉलो कर रहा हूँ। आकिब जावेद एक बहुत अच्छे बॉलर और वर्ल्ड कप के हीरो हैं, जिसके वो क्वालिटी उसके पास थी कि जब ब्रेक थ्रू नहीं होता था तो आकिब जावेद ब्रेक थ्रू करते थे। हाँ, तो उनसे हम सीखने को मिल रहा है, काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है। वकार यूनुस आइडियल बॉलर हैं, लेकिन इस टाइम आकिब जावेद काफ़ी हमारे साथ मेहनत कर। वकार यूनुस की बनाना स्विंग के मतलब आप क्या कहेंगे? वो तो मैं कहता हूँ कि दुनिया में दूसरा वकार कभी नहीं आ सकता, और वकार भाई जैसा बॉलर मैं नहीं समझता कि दुनिया में कभी दोबारा अब क्रिकेट में नजर आएगा। चलें हम अपने अगले सवाल की तरफ जाते हैं कि बेस्ट ऑल राउंडर इन द वर्ल्ड, क्रिकेट की दुनिया में आपका बेस्ट ऑल राउंडर कौन है? शेन वॉटसन, एक बहुत अच्छा बॉलर और एक बहुत अच्छा बैट्समैन। शेन वॉटसन वन ऑफ द बेस्ट ऑल राउंडर। महेंद्र, आपको अगर खेलने का मौका मिले इंटरनेशनल लेवल पर, तो आप कौन सी ग्राउंड में खेलना पसंद करेंगे? हर प्लेयर की ख्वाहिश हो कि अपने कौम की मिट्टी पर खेले, अपने होम सॉइल पर खेले। मेरी भी एक ख्वाहिश है कि जब भी मुझे मौका मिले तो मैं कदाफी स्टेडियम, जो कि हमारा एक नेशनल स्टेडियम है पाकिस्तान का, उसमें खेलूं और अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करूं। बैटिंग में आपकी बेस्ट शॉट कौन सी है जो जिसको आप लाइक करते हैं? हर जो प्रोफेशनल क्रिकेटर है, और जिससे भी आप पूछेंगे ना, तो वो आपको एक ही शॉट बताएंगे, वो ड्राइव है। तो ड्राइव शॉट बहुत मज़ा आता है, उसको खेलने का भी और उसको देखने का भी बहुत मज़ा आता है। और जो आजकल बाबर आजम जो ड्राइव मार रहा है या विराट कोहली जो मार रहा है, उसको देखने का अपना मज़ा ही है। महेंद्र, आप ये बताएं कि अगर आपको मौका मिले तो किस इंटरनेशनल प्लेयर का आप जो रिकॉर्ड है वो तोड़ना चाहेंगे? आपको कौन सा रिकॉर्ड अनबिलीवेबल लगता है कि जिसको आप तोड़ना चाहेंगे, कि आपकी ख्वाहिश है कि अगर मैं इंटरनेशनल क्रिकेट में आऊँगा तो ये अचीव करना है? देखिए, मेरी ख्वाहिश है कि जब भी मुझे पहला मैच मिले उसमें अच्छे से अच्छा परफॉर्म करूं, और पहले मैच में मैं 5 आउट कर सकूं। बहुत कम प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने पहले मैच में 5 आउट किए हैं या पंजा लगाया है। तो मेरी ख्वाहिश है कि जब भी मौका मिले अपनी मेहनत के बलबोते पे, और क्रिकेट आप ये नहीं कह सकते आपको चांस मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, मेहनत पर, और मेहनत के साथ किस्मत बहुत ज़रूरी है। एक चांस आपको कहीं से उठा के और कहीं ले जाते हैं, और एक जब आपकी इंजरी हो जाती है वो आपको ऊपर से नीचे गिरा देती है। तो ये लक पे डिपेंड करता है, मेहनत तो हर बंदा करता है, लेकिन मेहनत के साथ आपकी किस्मत बहुत ज़रूरी है। महेंद्र, प्रोग्राम के आखिर में आप हमें, हमारे नाज़रीन और क्रिकेट लवर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ सबको कि आप मेहनत करें, और जो बंदा मेहनत करता है अल्लाह ताला उसकी मेहनत ज़ाया नहीं जाता। और स्पेशली आजकल के दिनों में ये पैगाम ज़रूर देना चाहूँगा, जो कि कोरोना वायरस की महामारी चल रही है, या तो मैं ये सबको ये मैसेज देना चाहूँगा कि सोशल डिस्टेंस बरकरार रखें, अपने हाथों को बार बार धोएं, और मास्क लगाकर ज़रूर चलें, और जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो एहतियाती तदाबीर बताएं उसको सख्ती से फॉलो करें। जी नाज़रीन, ये थे हमारे आज के मेहमान महेंद्र पाल सिंह, जो कि अपने क्रिकेट कैरियर और अपनी लाइफ के मतलब हमें बता रहे थे। नाज़रीन, अगर इरादे पुख्ता हों तो मंजिल की रुकावटें कुछ नहीं कहती। हमारे साथ रहिएगा, हम मिलेंगे आपसे अपने अगले मेहमान के साथ। अल्लाह हाफिज़। समेटिए उमरा की बाबरकत सआदत अब मूली वॉशिंग पाउडर के संग। मूली वॉशिंग पाउडर का 1 किलोग्राम पैक खरीदें, पैक में मौजूद कोड को 0333330671 पर बजरिया SMS सेंड करें और कुर्रा अंदाजी में जीतें उमरा का पैकेज, मोटर बाइक, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और ढेरों कीमती इनामात। तो आज ही मूली वॉशिंग पाउडर का 1 किलोग्राम पैक खरीदें और पाएं बैतुल्लाह की जियारत का मौका। मूली वॉशिंग पाउडर, दाग अब कोई मसला नहीं।